जैसा कि आप क्वेश्चन में पढ़ सकते हो कि आपको रोमन नंबर्स के टर्म्स में आपको एक सीरीज दी है और बीच वाला एक नंबर आइडेंटिफाई करना है। थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, ये जो रोमन नंबर्स है इनको पढ़ते कैसे, वो आपको पढ़ना आना चाहिए, तो ही आप इसका क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। जैसा कि नॉर्मल नंबर को हम यहाँ पे बोलते हैं वन, ठीक है, ये हो गया वन, ये टू, ये थ्री। सिमिलरली अगर इन्हीं नंबर्स को रोमन में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, ये हो गया वन, ये टू, ये थ्री, ठीक। पर यहाँ पे एक चीज का थोड़ा सा फर्क आता है, क्या ये हम उसको वन टू थ्री बोलते हैं, पर इसको वन टू थ्री बोला नहीं जाता, इसको बोला जाता है फर्स्ट सेकंड थर्ड। मतलब रोमन लेटर्स उसके लिए यूजफुल है जो एक पर्टिकुलर लोकेशन या पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर पोजिशन को आइडेंटिफाई करता है। जैसे कि स्कूल में अगर आप लोगों ने कभी देखा होगा, फर्स्ट रैंक का कौन था, सेकंड रैंक का कौन था और थर्ड रैंक का कौन था, ऐसा होता है। अगर ऐसे केस में हम सिर्फ नंबर्स का यूज करेंगे तो नंबर के पावर में हम एस टी एन डी आर डी ऐसे टाइप के यूज करते हैं अल्फाबेट्स को, पर रोमन लेटर्स का अगर यूज कर रहे हैं तो इन सब का यूज नहीं होता, इसका पढ़ना ही वैसा होता है। मतलब क्या, ये फर्स्ट है, सेकंड, थर्ड, इसको वन टू थ्री ऐसा नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक। तो सिमिलरली अगर हमको फिफ्थ लिखना है तो फिफ्थ कैसे लिखते हैं हम रोमन लेटर्स में, ऐसा कैपिटल बी। अगर टेंथ लिखना है तो कैसे लिखेंगे, एक एक्स। तो अगर इसका बेस लेके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो क्या आएगा देखते हैं। यहाँ पे एक टेंथ है, दूसरा टेंथ और फाइव, और उसके पहले अगर एक वर्टिकल आया तो ये होता है फाइव माइनस वन मतलब फोर। तो यहाँ पे ये जो नंबर है ये और कुछ नहीं 24th है, ठीक। सिमिलरली ये दो एक्स है मतलब कितना 28th, ओके। यहाँ पे क्या आएगा फिर, 10 प्लस 2 इज 12th, 5 प्लस 3 इज 8th, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सोल्यूशन क्या आएगा वो देख लीजिए। अगर ऑब्जर्व करोगे कि ये क्वेश्चन चुटकियों पे सॉल्व हो रहा है, 24 माइनस 4 इज 20, 12 माइनस 4 इज 8, तो यहाँ पे क्या आएगा 20 माइनस 4 जो भी कुछ आएगा दैट इज 16th, और यहाँ पे माइनस 4 करेंगे तो 12। वेरीफाई हो गया कि उनका पैटर्न क्या है, एक डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है या पैटर्न जो है नथिंग बट सब्सट्रैक्शन वाला सीरीज चल रहा है। पर इसका आंसर मैंने नंबर के फॉर्म में 16 लिखा है, वही रोमन लेटर्स में कैसे लिखेंगे वो एक समझने वाली बात है। तो 16 लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक्स आएगा दैट इंडिकेट्स फॉर 10, 10 प्लस 5 प्लस 1, तो ये रहा उसका आंसर, इसको बोला जाता है क्या 16। तो ये रहा रोमन का क्वेश्चन।